सोलन में पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के प्रबल दावेदार बीरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस पर एक बार फिर से इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के विकास के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन जब भाजपा प्रदेश में विकास की नींव रखने जा रही है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये बात पच नहीं रही है, इसलिए वे अनाप शनाप की बयानबाजी कर रही है। सोलन में पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के प्रबल दावेदार बीरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस पर एक बार फिर से इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के विकास के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए, लेकिन जब भाजपा प्रदेश में विकास की नींव रखने जा रही है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये बात पच नहीं रही है, इसके लिए वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रदेश को औद्योगिकी पैकेज दिलवाया है, लेकिन कांग्रेस की सरकार की वजह से ये पैकेज ज्यादा वर्ष नहीं रहा और उद्योगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जहाँ भाजपा प्रदेश में 9200 करोड़ के MOU से नया इतिहास रचने जा रही है, वहीं कांग्रेस इस विकास की गाथा में अड़चन पैदा करने का प्रयास कर रही है और बेतुकी बयानबाजी कर प्रदेशवासियों को भ्रमित करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि शायद कांग्रेस प्रदेश का विकास नहीं चाहती और ये भी नहीं चाहती कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसलिए वे इन्वेस्टर मीट को लेकर तरह तरह के भ्रम फैला रही है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास को आगे ले जाने के लिए काम किया, इस प्रकार की नीतियां और कार्यक्रम बनाए, तब तब जो है वो कांग्रेस की सरकार ने हमेशा ही जो है वो असहयोग का जो है वो इस प्रकार का कार्यक्रम उनकी तरफ से रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं अपने कांग्रेस के साथियों से कि प्रदेश की सरकार श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस तरह से चिंता कर रही यहां के विकास में, आप जो है इस प्रकार की लोगों को भ्रमित ना करें हर रोज जो है इस प्रकार की स्टेटमेंट देकर, क्योंकि जिन लोगों ने MOU साइन किए हैं, जो इन्वेस्टर्स यहां पर आने की सोच रहे हैं, वो इस प्रकार के भ्रम जो है फैलाने से भ्रमित होंगे और इससे जो है वो हमारे जो निवेश यहाँ पर जितना अधिक आने वाला है उसमें भी वो दोबारा इस पर सोच कर सकते हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।